हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या बीकानेरी चटकारा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे राजस्थान की बहुत ही मशहूर सब्ज़ी सांगरी और कैर की सब्ज़ी। यह सब्ज़ी राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध है, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सांगरी कैर की सब्जी के लिए हम यहाँ लेंगे सांगरी। ये देखिए, ऐसी होती है सांगरी, शायद पूरे इंडिया में नहीं मिलती हो, तो इसको हम जो है किनारे से ऐसे साफ कर लेंगे। सांगरी जो होती है उसमें किनारे पे ये एकदम पतला सा निकला हुआ होता है, इसको ऐसे तोड़ के और इस पूरी को हम साफ कर लेते हैं। और इसको मैंने 2 घंटे भिगोया है और फिर मैंने इसको एक उबाल दिया है, तो ये मेरी सांगरी ऐसी हो गई है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट, ये बिल्कुल हार्ड है। और ये मैंने उबाल के और इसको तैयार करके ही रखी है, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखी थी। और ये है कैर, ये भी यहाँ पे राजस्थान में मरुस्थल में ही ज़्यादा मिलते हैं, तो इनको भी मैंने 2 घंटे भिगोया है और फिर इसको भी मैंने उबाल लिया है। उबालने के बाद ये ऐसे हो गए हैं, ये देखिए ये ड्राई हैं बिल्कुल, और ये उबालने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट और बड़े भी हो गए हैं। इनको भी मैंने उबाल के रख लिया है। ये है कमल ककड़ी, इसको भी मैंने 2 घंटे भिगोया है और भिगोने के बाद इसको उबाला है और फिर इसको स्लाइसेस कर लिए हैं। ये देखिए, और मैंने इसमें लिया है ड्राई मैंगो, जिसको मैंने पानी में भिगो दिया आधा घंटा पहले। रेड चिली, साबुत लाल मिर्ची है, इसको भी मैंने पानी में भिगोया है। किशमिश, काजू, अमचूर का पाउडर है, ये भी अमचूर है, ये साबुत है, और ये मैंने पाउडर भी लिया है। हींग, धनिया पाउडर, जीरा, हल्दी, नमक, लाल मिर्ची और तेल। आइए बनाना शुरू करते हैं। तेल गरम हो गया है, मैंने यहाँ पे तेल 5 से 7 टेबलस्पून लिया है। ये सब्जी अचार की तरह बनती है, इसलिए इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। आधा टीस्पून जीरा, हींग, कमल ककड़ी डाल देंगे हम इसमें और हमारे कैर भी डाल देंगे। हल्दी पाउडर डाला है मैंने, धनिया पाउडर, मसाले भून गए हैं। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि टेम्परेचर कम हो जाए इसका। और अब मैं इसमें लाल मिर्ची डालूंगी। मिर्ची भुन गई हमारी, अब मैं इसमें जो मैंने साबुत लाल मिर्ची भिगोई थी मैं वो पानी सही थी डाल दूंगी। उबाल आ गया मसालों में, अब हम अपनी सांगरी डाल देंगे। अच्छे से हम इसको उलट पलट लेंगे। अच्छे से मिक्स कर दिया हमने इसको, अभी हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि अभी ये थोड़ा और फूलेगी।
हम इसको ढककर 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट हो गए, अब हम इसमें नमक डाल देंगे। और जो ड्राई मैंगो हमने भिगोई थी हम वो भी डाल देंगे, पानी सही थी डाल देंगे हम। इसको और 5 मिनट पकाएंगे। सब्जी हमारी तैयार है। हम इसमें अभी अमचूर पाउडर डालेंगे। काजू और किशमिश अच्छे से इसको मिला देंगे। और ये सब्जी आप बिल्कुल ठंडी करके खाइए, बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है ये। इसको 1 घंटे के बाद जब आप खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी, क्योंकि इसमें सारे मसाले जो हैं वो बहुत अच्छे से रच बस जाएंगे और ये सब्जी खराब भी नहीं होती 4-5 दिन तक। आप इसको खाखरे के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ खाइए।